जीवन को जीने से पहले जान दो रे, जान दो रे। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो पहचान साथ में चलना है रिश्तों की तो आड़ केवल सबका पेशा चलना है यही सांसों का यहाँ है शोध हर पल है एक प्रतिशोध 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 विक्रम की फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम जोर पकड़ता है। एक कंसाइनमेंट के सिलसिले में बलराज कंपनी के एजेंट वर्मा की जानकारी हासिल करता है। कृष्णकांत उस एजेंट से दोस्ती बढ़ाने लगता है। कृष्णकांत रघुनाथ को यकीन दिलाता है कि ये कंसाइनमेंट वो हासिल करके रहेगा। अमर विशाखा से कहता है कि विक्रम से बात करने के पहले वो थोड़ा और सोचे। विशाखा इनकार करती है। पैसों का इंतजाम करने के लिए अश्विनी अपनी माँ के गहने गिरवी रखने की बात बलराज से करती है, मगर वो राजी नहीं है। रघुनाथ की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स पैसे ना मिलने की वजह से नाराज हैं। कार के जो इंजन जर्मनी से आ रहे हैं वैसे इंजन आपको और कहीं मिल ही नहीं सकते। हाँ सुना है मैंने, मेरी पहचान की कुछ कंपनीज है, वो अपने मुनाफे का काफी हिस्सा या तो भगवान के चरणों में या फिर दान धर्म में अर्पित करती है, और मैं चाहता हूँ कि ये काम दुगनी गति से हो जाए। जरूर, इस धर्म कर्म के मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये पुण्य का काम करने वाली कंपनीज का इस कंसाइनमेंट के बारे में विचार किया जाए, और इन कंपनीज में सबसे आगे है ये कंपनी। आपने कहा था कि तीर्थ यात्रा की बड़ी इच्छा है, मगर वक्त नहीं मिलता। कंसाइनमेंट इस कंपनी को अगर मिल जाए तो आपके हाथों से यह शुभ काम हो जाएगा, उसका आशीर्वाद भी मिलेगा और यात्रा का सुख भी। रघुनाथ वर्मा। वैसे तो बिजनेस और ये धर्म कर्म की बातें मैं अलग अलग रखता हूँ, मगर हम आपको कैसे टाल सकते हैं? हम ये टेंडर यस सेंड इमेल मैं ये टेंडर पर्सनल अटेंशन देकर हेड ऑफिस भेज दूंगा और उन पर दबाव डालूंगा कि मैं कम इन सर। यस यस कम इन। कृष्णकांत जी, यह है मिस्टर विक्रम। मेरे बेटे के साथ अमेरिका में एक ही इंस्टीट्यूट में थे, और मिस्टर विक्रम यह एक सज्जन इंसान श्री कृष्णकांत जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरे बेटे ने इन्हें यहां भेजा है, ये कंसाइनमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं। यस मिस्टर विक्रम, गो अहेड। श्योर सर, आई होप You don't mind, Mr. Krishnakant. Why should you mind, Mr. Vikram? Go ahead. Krishnakant ji, business और कारोबार के मामले में और उससे ज़रा हटके हैं। हाँ, वो तो नज़र ही आ रहा है इनके चेहरे से। इतना शांत, इतना प्रसन्न और इतना पवित्र चेहरा कहाँ नज़र आता है आजकल business circle में? I'm very pleased to meet you. मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। रोनी ने जैसे बताया वैसे ही हो तुम, soft and gentle. हाँ, तो क्या बात करना चाह रहे थे consignment के बारे में? जी वो बात ये है। वर्मा जी, मैंने जो कहा था वो याद रखना। इस व्यापार से भी बढ़कर है दान धर्म की बात। Yeah, I know. सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी ये बात सुन लूं, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ दान धर्म के बारे में। आई नो श्योर। वैसे तो ये बात कॉन्फिडेंशियल है। कृष्णकांत जी चाहते हैं कि ये कंसाइनमेंट उसी को मिले जो व्यापार के साथ साथ धर्म कर्म के कार्य में भी सहयोग दे। इसके लिए इन्होंने एक भले इंसान का सुझाव दिया है, नाम है रघुनाथ वर्मा। रघुनाथ वर्मा ना, नाम ही काफी है। क्या आप जानते हो उन्हें? जानता हूँ मैं, क्या शहर का बच्चा बच्चा जानता है उन्हें। इतना सज्जन और इतना देवता स्वरूप इंडस्ट्रियलिस्ट तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। आपके रिश्ते में है सर वो? जी मतलब आप भी वर्मा, वो भी वर्मा,
फिर क्या होता ना कि बिजनेस में रिश्तेदारी काफी काम आती है, यू नो वरंगी। मिस्टर विक्रम, मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं बैठा हूँ। आई एम हियर टू डू बिजनेस। आई एम सो सॉरी सर, आई रियली डिडंट मीन टू हर्ट योर सेंटीमेंट्स। हाँ, काम की बात करो जी। मेरी रॉनी से बात हुई और बात होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो इंजन्स यहाँ आ रहे हैं उन्हें बिठाने के लिए, कारों में बिठाने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ दो ही लोगों के पास है। एक है मिस्टर नायर जो मद्रास में है और दूसरे है मिस्टर सिन्हा जो बड़ौदा में है। उनकी एक बार जरा टेंडर्स आप चेक कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगी और फिर रघुनाथ जी के पास जो मशीनरी है वो है तो पुरानी लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी वो अपने इस काम की नहीं है सर। व्हाट? उन्होंने कोई अरेंजमेंट तो की होगी? अब मैं इसके बारे में क्या जानूं सर, ये तो मेरा ख्याल है उमाकांत सॉरी कृष्णकांत जी बता पाएंगे आपको। वो क्यों जानकारी रखे रघुनाथ जी के बारे में? वो तो सिर्फ उनका नाम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि उनके दान धर्म के काम में रघुनाथ जी की कोई मदद हो। क्यों कृष्णकांत जी? वैसे अगर आप चाहें तो ये डील अपने रिश्तेदार को, रघुनाथ वर्मा को दे सकते हैं, काफी माहिर बिजनेसमैन है। हाँ, मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी मिस्टर विक्रम। क्वालिटी के साथ साथ अगर मेरी कंपनी का मुनाफा भी होता है तो मैं ना रिश्ते देखूंगा और ना ही दान धर्म के बारे में सोचूंगा। ग्रेट सर, वाकई आपसे कितना कुछ सीखने लायक है। ड्यूटी से बढ़कर ना ही कोई धर्म होता है और ना ही कोई कर्म होता है, क्यों पंडित जी? जी आपके वेद क्या कहते हैं? यही कहते हैं। अगर ये कंसाइनमेंट विक्रम की कंपनी को मिलती है तो अपने मुनाफे में से वो दान धर्म में आपकी मदद करेंगे, क्यों विक्रम? हाँ श्योर, व्हाई नॉट, इट विल बी माय प्लेजर। आई एम इम्प्रेस्ड विद यू मिस्टर विक्रम, और वैसे ही मुझे यंग जनरेशन के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू सर। कनेक्ट मी हेड ऑफिस। चले पंडित जी, कुछ दान धर्म की बातें करें। 100 कंबल, 200 साड़ियाँ और 100 लोगों के लिए खाना और भोग चढ़ाना है, भूलना मत। नहीं। क्या हो रहा है? पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी अच्छा बंदोबस्त करना पूजा का, और वो डॉक्टर को भी बुलावा भेजना मत भूलना पूजा का, उसे भी हौसला मिले इनका इलाज करते हुए। मैं चलूं, और कोई काम? माई के घर हो आना, वो गाँव से लौटने वाली थी, एक बार देख कर आना। जी। मैंने अभी अभी डॉक्टर से फोन पर बात की, तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक होगा, ठीक समय पर होगा। डॉक्टर लाख बातें करेंगे लेकिन आज भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक बात पूछो। हाँ पूछो। उस बड़ी कंसाइनमेंट का क्या हुआ? तुम उसकी चिंता मत करो। क्यों नहीं करूं? सुनने में आ रहा है कि फैक्ट्री की हालत तो पहले जैसी नहीं रही। हाँ, और विक्रम एक नई फैक्ट्री शुरू कर रहा है, हमारे वर्कर्स सपने देखने लगे, नई फैक्ट्री, अच्छे पैसे, नई मशीनरी, लेकिन फैक्ट्री इंतकाम से नहीं, अक्ल और तजुर्बे से चलाई जाती है। विक्रम से बात नहीं हो सकती? उसके साथ मिलकर अगर शालू, तुम फिर से वही किसी पीटी बातें कर रही हो, तुम जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। बस अब हमें बाकी की जिंदगी उसी के लिए जीनी है, वो हमें जख्म देता रहे और हम सहते रहे। शालू, मैं तो भगवान को बस यही प्रार्थना करता हूं कि विक्रम कोई गलती ना कर बैठे जो मुझे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दे। एनीवे ठीक हो जाएगा सब। मजबूरी का फायदा उठाना हर खेल का पहला उसूल होता है कृष्णकांत जी, और फिर हम दोनों की कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, ये बिजनेस का मामला है।
जहां तक हमारी निजी जिंदगी का सवाल है तो उसका हिसाब तो मुझसे भी काफी लंबा है। अगर तुम चाहते तो वर्मा के सामने मेरी असलियत बता सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। वजह जान सकता हूं मैं? अगर मैं ऐसा करता तो आपके दिल में मेरे लिए नफरत और बढ़ जाती। ऐसा ना करके अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे दिल में तुमने अपने लिए इज्जत और आदर पैदा कर दिया है तो गलत सोच रहे हो। आप गलत सोच रहे हैं, मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं थी। और फिर आपके दिल में जो मेरे लिए नफरत है उसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह रघुनाथ से आपकी वफादारी, और दूसरी खुद के लिए जीने का सहारा। पहली वजह तो मैं मान सकता हूं विक्रम, मगर दूसरी मैं नहीं मानता। कभी सोचा है आपने कृष्णकांत जी कि अगर रघुनाथ अपने आप को आपसे अलग कर लेता है या फिर अपनी परछाई आपसे हटा लेता है कहां जाएंगे आप? गलत सोच रहे हो तुम, वो ऐसा नहीं करेंगे। इतने सालों से साथ हूं मैं उनके, अच्छे कामों के साथ साथ गलत कामों में भी साथ दिया है मैंने उनका। अच्छे नहीं कृष्णकांत जी, सिर्फ गलत कामों में साथ दिया है आपने उनका। जरा बताइए तो कितने अच्छे काम किए रघुनाथ ने अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं, सिर्फ गलत काम किए हैं, और उन सब कामों में आपने उसका साथ दिया है। जरा सोचिए आप, जो इंसान अपने मालिक के साथ वफादारी नहीं निभा सका वो आपके साथ क्या निभाएगा? बहुत मुश्किल। वैसे सुना है कि यशवंत राव को यूनियन लीडर बनाया गया है। वो तो वर्कर्स को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरत थी, इसलिए हमने वर्कर्स को कंट्रोल में रखने के लिए या आपको टक्कर देने के लिए? खैर ये तो रघुनाथ ही बेहतर जानता है। एक बात बताइए कृष्णकांत जी, इतने सालों से मैं आपको रघुनाथ के साथ देख रहा हूं, क्या पोजीशन है आपकी इस कंपनी में? मैं भी क्या पागल इंसान हूं, एक नौकर से पूछ रहा हूं उसकी पोजीशन क्या है। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आप कुछ कर भी क्या सकते हैं कृष्णकांत जी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। बस इस कंसाइनमेंट का रिजल्ट निकले तब शायद आपको सोचना पड़े। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। भाई बहुत दिन हुए आप अपनी बेटी से नहीं मिले, घर आइए। देखो अमर, ब्रदर ने तुमको भी मेरे साथ बुलाया है, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम वहीं पर गेस्ट हाउस में रह लेना ना, और फिर तुम हाँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ झाड़ू मारने का काम करूंगा, यहाँ तक कि खाना बनाने का काम भी करूंगा। ओके देखो विशु, अब तुम यहाँ फिर कभी नहीं लौटोगी। आज के बाद हमें जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। वैसे भी तुम अपने ब्रदर से क्या कहोगी? अगर उन्होंने पूछ लिया कि अमर क्या करता है तो तुम क्या कहोगी? उसने उस नकाबपोष को मारा है ये कहोगी? ये मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। तो क्या करें? बेहतर यही होगा कि तुम ब्रदर से फिलहाल कुछ मत कहो, चुप रहो। वैसे तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है, ब्रदर भी टेंशन में, वो अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर तुमने ब्रदर से हमारे बारे में कहा और वो खुश हो गए, तुम ये किस यकीन के साथ कह सकती हो? अमर, मैं ये बात अपने ब्रदर से छुपा नहीं सकती। मैं नहीं तो मेरी नजरें उनको ये राज बता देगी, और तुम भी वहां नहीं रहोगे। ये क्या है, इतनी छोटी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे? हाँ, अगर कल को मैं लौटा ही नहीं तो ढूंढ लूंगी और पीटूंगी बहुत। अच्छा देखो, पहले मैं अपनी मम्मी से बात कर लूं हमारे बारे में, हाँ, उसके बाद तुम्हारे ब्रदर से आकर मिलूंगा, ठीक है? विश्वास है तुम्हें मुझ पर? नहीं है? चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया।
मैं चलता हूँ। किधर चले अंगेले? नहीं, मेरा मतलब है साथ में चलो, चलना है कि नहीं? तो चलो। हाँ ओके चलो। बाबा रे बाबा, चलो हटो। चलो, जैसे शंकर का संदेशा मिला मैं चली आई। इतने दिन नहीं थी ना तो मेरे घर की हालत इतनी खराब हो गई थी, फोन नहीं शुरू था, पानी नहीं था। अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिंदगी में जो कमी थी वो तुम्हें मिल गई है। खुश तो हूं माई, लेकिन ये खुशी किसी के साथ बांटने को जी कर रहा है। ऐसे मौके में जब कोई अपना साथ नहीं होता है ना, तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। खुशी भी पागल बना देती है इंसान को। खुशी से पागल हो रही हूं, अच्छा है। अब मैं जो आ गई हूं, अरे बल्लू से भी नहीं मिली, सीधे यहां चली आई। माई माई, विक्रम से मिलने को बहुत जी कर रहा है, अगर वो यहां होता ना तो। देखो शालू, जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दो। देखो, खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, उसे महसूस करना पड़ता है अपने आप में। कोशिश करूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम क्या चाहती हो, बेटा या बेटी? रघुनाथ जी खुश है ना? बहुत। नॉनसेंस, तुम लोग इस तरह से काम नहीं रोक सकते हैं, ना ही कानूनी तौर पर और ना ही अपनी मर्जी से। मालिक, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, फिर भी वो लोग चुप रहे हैं। और अब तो हद हो गई है, जब से बिरजू गया है तब से 1-2 वर्कर रोज जा रहे हैं। मशीन पर काम ही नहीं है, खड़े खड़े हम लोग क्या करें साहब? और अगर तनख्वाह नहीं मिली तो? तनख्वाह नहीं मिली तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? शहर में नई फैक्ट्री खुली है मालिक। ओ, विक्रम के पास कुछ नहीं है वहां पर, ईंट और पत्थरों की दीवारें हैं वो, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को वहां पर। जाओ अपने अपने मशीनों पर वापस जाओ, शाम तक तनख्वाह मिल जाएगी। जाओ। मार्केट से पैसे उठाओ, शाम तक वर्कर्स को पेमेंट मिल जानी चाहिए, समझे? भाई लोग, मैं तो कहता हूं अपन को साहब की बात मान लेनी चाहिए। अरे इनके दिमाग में क्या चल रहा है अपन लोगों की समझ के बाहर है। कहीं ऐसा ना हो हम लोग यहाँ का काम छोड़ के चले जाएं और यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए। मगर तो देख माधो, वैसे विक्रम के पास अभी तक तो कोई काम नहीं है, वहां जाके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। अरे यहाँ कम से कम दिन का पगार तो चढ़ता है कारण पर। एक काम करते हैं, यशवंत को भी बुला लेते हैं फैक्ट्री के ऊपर, उसको थोड़ा टेंशन देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ और मैं क्या कहता हूँ, तुम एक काम करो, तुम लोग आगे चलो, मैं यशवंत से मिल के आता हूँ। बोल। और 4 लोगों को बलराज ने अपने पास ले लिया है, बिरजू भी उनके साथ है। ये बलराज भी सही जा रहा है। तुम्हारा नाम? केशव पांडे। तुम्हारा? योगेश। तुम दोनों क्वालिटी कंट्रोल पर थे ना? हाँ। देखिए, ये विक्रम जी की फैक्ट्री खड़ी होने में अभी 1-2 महीने का समय बाकी है। आपने हमारे साथ काम करने का फैसला अपनी मर्जी से किया है ना? बिल्कुल। पिछले 2-4 महीनों से और आने वाले 2-4 महीनों तक रघुनाथ जी के पास कोई काम ही नहीं था। खाली मशीन पर रुके रहने से तो अच्छा है कि मैं गांव जाकर अपने परिवार के साथ 2 रोटी चैन से खाऊं।
देखिए, हमारी कंपनी में आपको तनख्वाह कुछ खास नहीं मिलेगी शुरू शुरू में, लेकिन जो जो काम बढ़ते जाएगा आपकी तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। हाँ, और एक बात, आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा आपके बच्चों के और आपके परिवार के भविष्य के लिए कंपनी अपने पास रखेगी। वो तो रघुनाथ जी भी रख लिया करते थे, मगर अब ना तो हमारा हिस्सा है ना ही भविष्य। यही फर्क रहेगा हम लोगों में और उनमें। देखिए, 5 साल के बाद आपकी सारी पूंजी आपको वापस मिल जाएगी। उसके बाद या तो आप उसे कंपनी में रखकर दुगना कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपने गांव जाके अपने बीवी बच्चों से मिलाइए, तब तक ये फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी। बाकी बात आप सीधे मालिक से कर लीजिएगा। शुक्रिया। राम राम। कृष्णकांत, कंसाइनमेंट का क्या हुआ? कृष्णकांत, इंतजार करना होगा। कब तक? जब मेरी फैक्ट्री खाली हो रही है, वर्कर्स मेरी कैबिन में घुसकर मुझसे तनख्वाह मांग रहे हैं। मेरा जवाब वही होगा रघुनाथ जी, इंतजार करना होगा। वर्मा को टेंडर तो दे दिया है, लेकिन लेकिन क्या? इस लेकिन में तुम्हारी हार की बुआ रही है कृष्णकांत। विक्रम आ पहुंचा, उसने अपना टेंडर दे दिया है। विक्रम, 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 कुछ भी करो कृष्णकांत, कोई भी रास्ता अपनाओ, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा, कंसाइनमेंट मेरी है कृष्णकांत।